करना है एक बार हाथ उठाकर बताएं जिन्हें भोजन करना है कोई नहीं करेगा। अच्छा जिन्हें जाना है वो थोड़े थोड़े करके आराम से जा सकते हैं पीछे से। तो इतने लिए थे मैंने कहा जी पिछली बार और इस साल में फर्क तो आ गया ना। और मैं पंकज जी से भी कहता हूँ आपकी दुकान पिछले साल छोटी थी इस साल बड़ी हो गई है। अगर आपने अपने व्यापार में तरक्की की तो मैं अपने व्यापार में तरक्की क्यों नहीं कर सकता। अगर मैंने पैसे बढ़ाकर मांगे तो मैंने क्या जुल्म कर दिया। वो बात अलग है कि हाँ ये मेरा व्यापार है आप आपसे कर रहे हैं लेकिन ये मेरा व्यापार है इसलिए हम हमारी सेवा थोड़ी सी बढ़ जाती है उसमें कौन सी दिक्कत है। ये आया 500 का कहते सच्चे दरबार इसलिए मैं कहता हूँ मैं हूँ तेरा नौकरी तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकरी तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मिलती है तनख्वाह जो तुझसे मिलती है तनख्वाह जो तुझसे मैं परिवार चलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकरी हाजिरी। देखो बढ़ रही है ना पेमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं तो सच्चे दरबार की आओ मीठी मीठी ताली के साथ मैं हूँ तेरा नौकरी हाजिरी
इंसिडेंट भी बहुत सारे हो जाते हैं। एक फोन और आया, ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। पिछले साल गया, इस साल फिर फोन आया, वहां से थोड़ा सा जवाब कुछ अजीब सा हो गया। उन्होंने पूछा जी क्या सेवा, मैंने कहा इतनी सेवा, तो कह रहे इतने पैसे किस बात के। मैंने कहा किस बात के, मैंने कहा भैया जो अपनी सेवा वो बता रहा हूँ। कह रहे पिछले बार तो इतने लिए थे आपने। मैंने कहा जी पिछले साल इस साल में फर्क आ गया थोड़ा सा, सब तरक्की कर रहे हैं और कोरोना के बाद तो सब ज्यादा ही तरक्की कर रहे हैं थोड़ी सी। मैंने भी सोचा मैं भी क्यों ना कर लूं। तो कह रहे जी चलो आपको बताएंगे। मैंने कहा जी मुझे आपका जवाब मिल गया, मैंने कहा मुझे आपका जवाब मिल गया, बस हो गया। उधर से फोन कट गया, मैंने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने बाबा से पूछा कि इतनी बातें क्यों सुनवाते हो, इतने लोगों के ताने क्यों सुनवाते हो। इसलिए मैं बाबा से पूछ रहा हूँ कि आप ही बता दो क्या लेते हो, क्या देते हो, कितनी तेरी मजदूरी है। वैसे मैंने बनियान के छेद वाली बात खोल दी, लेकिन सबके आगे छेद क्या खोलूं, क्या मेरी मजबूरी है। सबके आगे छेद क्या खोलूं, क्या मेरी मजबूरी है। और ये बात एक श्याम प्रेमी कह सकता है, भले ही दुख भरे दिन हो, लेकिन सामने से किसी ने पूछा और भाई क्या हाल है, तो चेहरे पर मुस्कान और जवाब एक ही होता है कि बाबा की कृपा से मौज है। ये बात एक शाम प्रेमी बोल सकता, हर कोई नहीं बोल सकता। इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ जो नए प्रेमी आ रहे हैं, मिलता है आकाश से ज्यादा, जब माँ की याद सताई, गोदी में मुझे बिठाया, जब तूने मेरा भाई बन गए। और कहो पग पग पर दिया सहारा, तुमने कई रूप में आ गए, पग पग पर कभी आया माझी बन गए, कभी आया साथी बन गए, कभी आया माझी बन गए, पग पग पर दिया सहारा, तुमने कई रूप में आए, पग पग पर दिया सहारा, तुमने कई रूप में आए। देखो कितना भी मुश्किल भरा समय हो, कितनी परेशानी क्यों ना हो,
जब आपको लगे कि कुछ नहीं दिख रहा, आसमान की तरफ देखना और बाबा से सिर्फ ये मंत्र गाना बाबा का, एक बार दोनों हाथ उठाकर और मिलकर ताली बजाकर सब गाएं। ओम श्री शांतिवाय नमः, ओम श्री शांतिवाय नमः। हमसे बहुत अच्छा अच्छा गाने वाले अपने घरों में बैठे हैं, हमसे बहुत अच्छा गाने वाले वो अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन ये इसकी कृपा है जो इसने सेवा में लगा रखा है। और श्याम परिवार, श्याम जगत ऐसा जगत है जिसको गाना नहीं आता वो भी गा रहा है, ये सच्चाई है इस श्याम परिवार की, कोई माने या ना माने। आप लोग तो बाबा के प्रेमी हो, प्रेमी को भजन सुनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्हें गाना नहीं आता उसके बाद पेमेंट खाई है तो उनकी बात कर रहा हूँ, कह दो श्याम प्यारे की। लेकिन मैं कहता हूँ बाबा, मुझसे काबिल मुझसे लायक सेवा को है तरस रहे, सच्चे दरबार की। आइए, आरती का आदेश हो चुका है वैसे। रखना जरा दूसरा मित्र। ओ नंद के आनंद भये जय नंद के आनंद भये के आनंद भये जय कन्हैया लाल की।
बूढ़न को बच्चों को हाथी दिने बूढ़ों को पालकी बच्चों को हाथी दिने बूढ़ों को बच्चों को हाथी घोड़ा बूढ़ों को पालकी कह दो सच्चे दरबार की बोले बाकी बिहारी लाल की